अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अनम तारिक हूँ, नई सुबह डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम और खुद मुख्तार प्रोग्राम की लीड। तो आज हमने जो ये वर्कशॉप डिज़ाइन की है, ये अरेंज की है, ये इसलिए की है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जो भी साइटेड कोई भी इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि ये इंटरव्यू स्किल्स पे है और इसमें हम किस तरह से हमें हमारे अपने स्किल्स को हम बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमें इंटरव्यू जाके देना चाहिए जॉब्स के लिए और ताकि हम खुद मुख्तार हो सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इनवाइट किया है एक्सपर्ट गेस्ट स्पीकर जो कि दानिश इम्तियाज़ हैं। ये सीनियर मैनेजर हैं करियर डेवलपमेंट सेंटर एट IBA और ये 10 ईयर से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग फील्ड में और ये ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी दानिश इम्तियाज को कि वो आए और इस वर्कशॉप को स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हमारी मैनेजमेंट भी, नई सुबह की टीम, नई सुबह के सारे स्टाफ और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वालेकुम सलाम अनम, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी ऑफ पीपल। आई थिंक इस तरह के सेशन आज से 10 साल से, जैसे आपने बताया, आई एम एसोसिएटेड इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड, सो रिक्रूटमेंट को लेते हुए मेरा काफी एक्सपीरियंस अब हो चुका है वर्किंग विद द MNCs, विद द लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। So a lot of insights are currently present in my Pandora box, and I'll definitely provide you those insights. But I think ये इस तरह का session for a community like yours, मेरे ख्याल से मेरा एक बहुत unique experience होता है, because definitely people with such amazing challenges और इस तरह के जो वो जज्बे के साथ, इस तरह के जब वो spirit के साथ सीखने के लिए आते हैं, तो it gives me more courage to you know share more knowledge about what we know. So assalamu alaikum everyone. I would like to first of all see those people who are there. Agar aap log kuch time ke liye apna camera on kare so that I can see you all for once, and then we can close off the camera as per your likings. And I would really like you to say waalaikum salam together. Okay ji, assalamu alaikum everyone. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم سلیم طاہر ہاؤ ار یو سلیم وعلیکم السلام وعلیکم السلام صادق تھینکس فار جوائننگ وعلیکم السلام تھینک یو انم کتیجہ طلحہ انعام گریٹ گریٹ ٹو سی یو آل گریٹ ٹو سی یو آل تھینک یو سو مچ اچھا جی سو فرسٹ آف آل آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ یور कि आप लोग जो हैं वो किन एरियास के लेवल से ताल्लुक है, आप स्टूडेंट हैं करंटली, यू नो मिड करियर प्रोफेशनल्स हैं, या जो है वो सीनियर रिसोर्सेज हैं, या मे बी अभी जॉब की तलाश में हैं। इसके हवाले से मुझे अगर थोड़ा सा बताएं तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पीपल वी आर विथ इन आवर सेशन। So Khatija, to start off with you, can you quickly tell us, are you a student, professional, kya kar rahi hain aap, thoda sa student mein bata dein. Maine intake kiya hua hai, uske alawa student hai, kaun si grade ki? Maine intake kiya hua hai. Acha, intake kiya hua hai. Acha, and you are currently planning to do undergrad program ya fir aap abhi job dhoond rahi hain, kya kar rahi hain? Inshallah online job. ऑनलाइन जॉब की तलाश में, ग्रेट। समीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम समीर है और मैं केपीके पाकिस्तान पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ, इसके अलावा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप? जी। अच्छा, और आगे क्या इरादा है, क्या करना है आपने आफ्टर डूइंग योर सेकंड ईयर? जी
क्या क्या प्लान्स हैं आपके? समीर कैन यू हेयर मी? आपको आवाज आ रही मेरी? चले समीर से फिर आगे बात करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू तैमूर. तैमूर शाहिद सर, सेकंड ईयर के बाद मेरा ये इरादा है कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी. अच्छा दानिश, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, ये तैमूर शाहिद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हैं, तो मैंने इनको भी कहा था कि आप गेस्ट को हमने इनवाइट किया, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए आए. तो तैमूर शाहिद जो हैं वो हमारे डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं. तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे दानिश को? थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छा लगता है जब कोई सीनियर जो है वो इस सेशंस को ज्वाइन करता है. सो थैंक यू सो मच सर. अगर थोड़ा सा अपना भी तारुफ करवा दें. All right, Tamur sahab, I think is connecting to audio. Let's get it. Assalamu alaikum. Well, Khatija, alaikum salam. Who is there? Ji, assalamu alaikum. Awaaz aa rahi hai meri? Ji, Tamur sir, awaaz aa rahi hai. Danish, ye Tamur sir hain hamare trustee. Okay. Tamur sahab, assalamu alaikum. Thank you so much, first of all, for joining the session and organizing this. I think there are some technical jab stable connection hota hai to hum unse baat karte hain. Meanwhile, I can see someone, Nadia here, jinhone apna camera on kiya hua hai. So Nadia, if you can introduce yourself. Wa alaikum assalam. Okay, my name is Nadia and I'm a late blind. I have done masters in special education aur meri specialization jo hai wo visual impairment mein hai. और करंटली मैं नई सुबह के साथ ऑडियो लाइब्रेरी में एज ऑडियो एडिटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं एज पर्सनालिटी ग्रूमर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस के साथ काम करती हूँ. वंडरफुल वंडरफुल. सो अमेजिंग पीपल, आई मीन सो मेनी अमेजिंग पीपल आई कैन सी ओवर हियर. थैंक यू नादिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. तलहा Talha, if you can hear me, can you kindly introduce yourself? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sir, मेरा नाम तलहा है और मैं भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी करंटली. एग्जाम्स होने वाले हैं मेरे, और इसके अलावा मैं नई सुबह में जो है वो ऑडियो डिपार्टमेंट में जो है एज अ ऑडियो एडिटर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करता हूँ यहाँ पर नई सुबह में. Okay, आप कराची में ही हैं? जी बिल्कुल, मैं कराची में ही रहता हूँ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फातिमा ज़हरा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. जी मेरा नाम है फातिमा ज़हरा, मैं नई सुबह में बैकअप हूँ अबीर एंड टाइम आउट, जो हम इंडिपेंडेंट लिविंग कोर्सेज करवा रहे हैं. जो हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग कोर्स चलता है उसमें हम दो वेंचर चला रहे हैं, अबीर और टाइम आउट. अबीर में ये है कि हम हैंडीक्राफ्ट की चीजें अपने बना रहे होते हैं, और टाइम आउट में हमारा कुकिंग का होता है. ओके राइट, ग्रेट, जबरदस्त. थैंक यू सो मच फातिमा. और आपकी क्वालिफिकेशन करंटली आप क्या, मतलब अपार्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग आपने क्या किया? मेरी क्वालिफिकेशन अभी करंटली जो चल रही है बीए. बीए कर रही हैं आप? ग्रेजुएशन. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फातिमा फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. अच्छा, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग नाउ, अराउंड 17-18 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हो गए.
So in the interest of time, what I'm doing, main thoda sa start leta hu, and then we can have introductions of other people in between the presentation. Jinse main question puchunga unse introduction bhi le lenge. Theek hai ji? All right ji. So first of all, like I can see there are a lot of people over here jo ke ya to padh rahe hain ya professionals hain jo ke apni apni jagah mukhtalif kaam kar rahe hain, aur in future they have to go through interviews, right? Interviews jo hain wo bade important hote hain aapke recruitment ke liye. Aapki university ke andar bhi jab aap admissions lete hain to usme bhi interviews hote hain, theek hai ji? Aur वीजा एप्लीकेशन के लिए भी बाज़ औक़ात आपके इंटरव्यूज होते हैं. सो हर इंटरव्यू के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन जॉब इंटरव्यूज. जो कि अनम से मेरी बात हो रही थी, तो शी सेड कि हमें एक सेशन चाहिए ऑन जॉब इंटरव्यूज. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट जॉब इंटरव्यू स्किल्स. आर यू ऑल रेडी फॉर इट? ओके. सो आपने किन लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं अब तक? अगर अपना हैंड रेस करें, आई एम श्योर आपके पास हैंड रेस का ऑप्शन होता है के अंदर. यू कैन रेज योर हैंड्स एंड लेट्स टाइप इन द चैट बॉक्स कि आपने इंटरव्यूज दिए या नहीं दिए, यस और नो. ग्रेट. आई कैन सी द रेज ऑफ हैंड्स. आई कैन सी people showing okay. Nadia hai, Anam hai, then we have the people showing up. Chat mein likh dein if you want to type something. If you want to raise hand, to raise hand kar dein. Okay, mujhe batayega how many interviews you have given so far. अपने अपने माइक्स को अनम्यूट कीजिए और नंबर्स बताएं. कितने इंटरव्यूज दिए हैं अब तक लाइफ में? नॉट जस्ट जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज. कोई भी किसी भी तरह के इंटरव्यूज आपने कितने इंटरव्यूज दिए होंगे आज तक लाइफ में? एस्टीमेट. मैंने 2 to 3 इंटरव्यू दिए हैं. 2 से 3. ओके. कोई अनम को बीट कर सकता है? किसी ने 3 से ज्यादा दिए हों? सर आई गेस मैंने भी 2 से 3 दिए हुए प्रोफेशनली. अदरवाइज तो जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं वो तो फिर चलते रहते होते हैं. अच्छा, नॉन प्रोफेशनल थोड़ा सा मुझे अलग साउंड कर रहा है. नॉन प्रोफेशनल क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल मींस के सम टाइम आप कहीं बैठे हो तो आपसे किसी की फर्स्ट टाइम मुलाकात हो तो वो भी लेट ब्लाइंडनेस की वजह से वो अक्सर फिर इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं. राइट राइट राइट. नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन प्रोफेशनली आप कह रही हैं 2 से 3 आपने दिए हुए. ग्रेट. और बताएं भाई, 3 से ज्यादा अब तक किसी ने भी नहीं दिए हुए मुझे लगता है. किसी ने 3 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं यहाँ पर? कोई है ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन ओवर हियर जिसने 3 से ज्यादा जो है वो दिए हों इंटरव्यूज? सर मैंने कम से कम 7 से 8 तो दिए. अच्छा, ये कौन है? कैन यू टेल मी योर नेम एज वेल? समीर अली. समीर ने कितने दिए हैं? सर आई थिंक 7 से 8, तो इससे ज्यादा और कम. वंडरफुल. तो आप समीर मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में है ना? जी. तो ये आपने 7-8 इंटरव्यूज कहाँ दिए? सर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी, और इसके अलावा जो है यानी जी सर, सॉरी, किस पर्पस के लिए दिए हैं या क्यों इंटरव्यू हुए? सर मुख्तलिफ जॉब के लिए भी दिए हैं, और एज अ गेस्ट रेडियो साइट में भी मैंने कम से कम 7-8 रेडियो प्रोग्राम्स में भी इंटरव्यूज दिए सर, बहुत कुछ दिए. अच्छा अच्छा. तो एक तो कुछ तो लाइव प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके इंटरव्यूज आपने दिए हैं, और कुछ जॉब्स के लिए दिए हैं. वंडरफुल वंडरफुल. अच्छा चलें मूव ऑन करते हैं. कितने जो आपने अभी दिए हैं, 3 दिए हैं, 7 दिए हैं, 8 दिए हैं, कितनों में आप सक्सेसफुल रहे? कितने इंटरव्यूज आपके सक्सेसफुल रहे? सर मेरे तो तमाम सक्सेसफुल रहे, क्योंकि अगर आपको किसी जगह कंफ्यूज ना होते हैं, आपको अपने खुद पर एतमाद होता है,
तो आप तो वहां पर कामयाब खुद बखुद ही हो जाती हैं। वाह, क्या फिलोसोफर वाली आपने बात की है, थैंक यू फॉर दैट। अक्सा, आप जरा बताएं कितने इंटरव्यूज अब तक दिए हैं और कितने सक्सेसफुल रहे हैं अब तक? अक्सा ज्यादा? मैंने जान करके आपको ज्यादा कहा ताकि आप बोलें। Okay. अच्छा बताइए, जब सर मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बहुत बोलती हूँ। That's wonderful. तो फिर आपको मैं फिर co-facilitator बना दूंगा, ठीक है ना, अगर आपने ज्यादा बोलना okay, है तो। सर। अच्छा बताइए मुझे ऐसा, कितने इंटरव्यूज दिए अब तक और कितने सक्सेसफुल रहे? सर मैंने तो 2 to 3 ही दिए और okay. एक तो मेरा यूनिवर्सिटी का था, एक जॉब के लिए था और बाकी जॉब का भी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है क्योंकि मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और यूनिवर्सिटी का भी। अच्छा ओके, और आपकी आप यूनिवर्सिटी में हैं इस वक्त? अच्छा आप यूनिवर्सिटी में हैं इस वक्त? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है राइट? परफेक्ट परफेक्ट, आई थिंक अक्सा का कोई टेक्निकल इशू आ गया। सर उनके कनेक्टिविटी का इशू है, वो मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। अच्छा अच्छा आपके साथ ही हैं, चलें वंडरफुल। तो कोई मसला जहां पे ये टेक्निकल साइड पे हमें पता है चैलेंजेस होते हैं व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ वर्चुअल इवेंट, बट विल कंटिन्यू। अच्छा मुझे बताइए, हाँ अक्सा आ गई आपकी आवाज, आवाज तो बिल्कुल आपकी आ गई। अच्छा अक्सा बताइएगा, आप कह रही आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? Yes. तो क्या पढ़ रही हैं आप? मैं एजुकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। अच्छा मास्टर इन एजुकेशन, कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी, एयू से। ओके, और आप इसी इनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रही हैं भाई? जी। परफेक्ट, जबरदस्त। तो ठीक है अक्सर, आपने कहा कि जो है वो आपने भी 2 to 3 इंटरव्यूज दिए हैं और सक्सेस रेशो क्या रहा है आपका अब तक? 2 में मैं जो है कामयाब हो चुकी हूँ। अच्छा आउट ऑफ 3 जो है वो 2 आपके सक्सेसफुल रहे, परफेक्ट। अच्छा अब मुझे बताइए कि हाउ लॉन्ग डिड दे गो फॉर, कितने टाइम के इंटरव्यूज हुए आपके? मिनिमम टाइम क्या था किसी इंटरव्यू का और मैक्सिमम टाइम क्या था और एवरेज टाइम क्या था? तो मैं पूछता हूँ जिन्होंने अब तक मुझसे बात नहीं की, जो अभी तक नाराज से बैठे हुए, सलीम ताहिर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें एंड लेट मी नो कि आपने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं लाइफ में या नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सलीम अपना तारुफ पहले करवाएं कि आप क्या करते हैं और फिर मुझे बताएं कि इंटरव्यूज आपने दिए या नहीं दिए। जी सर, मेरा नाम सलीम ताहिर है, लाहौर से मेरा ताल्लुक है और मैं BS उर्दू एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, साथ में जॉब कर रहा हूं मैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में किस फील्ड से ताल्लुक है, कौन सी फील्ड में एजुकेट कर रहे हैं आप एकेडमिक्स? BS उर्दू एजुकेशन, BS उर्दू लिटरेचर में। उर्दू एजुकेशन, ठीक है, और लाहौर से ताल्लुक है और कौन से ईयर में अभी? सर मैं थर्ड ईयर में। परफेक्ट, अब बताइए इंटरव्यूज का, इंटरव्यूज दिए हैं आपने लाइफ में? जी सर, मेरे 2 to 3 इंटरव्यूज हुए। एक तो मैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा। कितने टोटल लाइफ में अब तक कितने इंटरव्यूज दिए हैं आपने? 3 to 4 दिए होंगे, जिसमें से मेरे तकरीबन 2 सक्सेसफुल थे। एक इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू सक्सेसफुल था लेकिन वो जॉब के लिए था, लेकिन वो जॉब बैन हो गई थी बाद में, तो वो अच्छा बैन ही कर दिया। आपको मिलने के बाद तो बैन नहीं किया? नहीं सर, वो इंटरव्यू हुआ था, उसका रिजल्ट हम लोगों को नहीं अनाउंस किया गया था। वो मतलब वो आगे प्रोसेस पड़ा ही नहीं। अच्छा मुझे बताइए टाइम कितना लगा, मतलब आपके इतने इंटरव्यूज हुए हैं 4 to 5, मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम कितना लगा था एक इंटरव्यू में? मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 20 to 25 मिनट। ठीक है, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम आप कह रहे हैं 25 मिनट्स का इंटरव्यू आपका हो चुका है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सलीम, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपने बात की मुझसे, थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए अब ये 10 से 25 मिनट्स का मेरे पास रेंज आ रही है, किसी किसी का ऐसा है जो
25 मिनट से भी एक्सीड किया हो, कोई यहाँ पर ऐसा है जिसका 25 मिनट से भी इंटरव्यू जो है वो एक्सीड हुआ हो? अगर है तो कितना कितना जो है वो एक्सटेंड हुआ है, कितने मिनट तक गया है वो? सर 1 आवर। 1 आवर किसका? ये कौन है, कौन कह रहे हैं? समीर अली। समीर, समीर आपका 1 आवर इंटरव्यू हुआ है? जी सर, रेगुलरली, नॉट ब्रेक, बीच में कोई ब्रेक नहीं थी। दैट्स क्वाइट इनसेन, मतलब ये तो काफी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हुआ है। तो अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो काफी इंटरव्यू हुआ होगा। अच्छा, जी सर बिल्कुल। और इंटरव्यू और भी कोई बताना चाह रहा है कि वो उसका इंटरव्यू जो है वो 1 घंटे से ज्यादा किसी का हुआ है? आई थिंक मेरे ख्याल से समीर यहाँ पर जीत गए इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यूज। अच्छा, मूव करते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं तकरीबन हर इंटरव्यूज में, ठीक है जी? तो वो जरा क्वेश्चंस मुझे बताएं कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको अमूमन जो आपने 4 इंटरव्यू दिए हैं, 3 दिए हैं, 5 दिए हैं, तो इन 4-5 में आपको रेगुलरली एक दो क्वेश्चंस आपसे ये सवाल कॉमनली पूछा जाता है। सलमान मुझे बताइए, सलमान सुल्तान आपने हैंड रेस किया, तो मुझे बताइए कि जो है वो आप से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो के अमूमन जो है वो पूछे गए? सलमान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं नहीं, नो वरी सलमान, मुझे सलमान सुल्तान मेरा नाम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, सीनियर एजुकेशन में। इसके अलावा नई सुबह में हेड ऑफ ग्रेड डिपार्टमेंट असिस्टेंट रोल, और इसके साथ 1-2 प्रोजेक्ट और है जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू मेरे काफी ज्यादा हुए हैं और उनकी तादाद मुझे पता भी नहीं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज में जो है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन है ये तो अमूमन हमसे किया ही जाता है कि आप ब्लाइंड हैं, वीआई हैं, किस तरीके से मैनेज करेंगे। एक जगह मुझसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं घर से लेके यहाँ तक कितना टाइम सर्व किया आपने, और यहाँ से जो स्टेप आप स्टेयर चढ़ कर आए, सीढ़ियां चढ़ के आए, वो कितनी है? वो कितनी है जी? अच्छा अच्छा, तो वो थोड़ा सा एक बड़ा एक अजीब सा लगा था। घर का टाइम तो मैंने वो मैनेज किया था कि मैं घर से जब निकला और वहां तक पहुंचा तो कितना टाइम लगा, लेकिन ये स्टेट वाली बात समझ में नहीं आई। वो एक अच्छा। कहते हैं ना कि वो तुक्का लगाते हैं, हमने तुक्का लगाया था और वो तुक्का तकरीबन लमसम सही था। तो उन्होंने कहा कि आप माइंड नहीं कीजिएगा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आपकी हाजिर दिमागी कितनी है, कि जब आप चलते हैं बिना वीआई तो आप कितना अलर्ट होकर चलते हैं और कितना ज्यादा आप खुद एतमादी देखना चाह रहे थे। सलमान साहब ये बताइए कि ये तो एक वन ऑफ क्वेश्चन था ना जो किसी एम्प्लॉयर ने पूछ लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है तकरीबन आपको 4 या 5 या 10 इंटरव्यू आपके जितने भी हुए हैं उसमें? मैंने आपको बताया ना सर, एक तो ये था कि आप वीआई हैं, ठीक है, और आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन मसला ये है कि मैं हूँ पार्शियली ब्लाइंड, तो मैं उसको खैर मैनेज कर लिया करता था। एक क्वेश्चन और कॉमन किया जाता था, उन दिनों में रहता था लियाकताबाद में, तो ये थोड़ा सा उसमें होता था कि आप लियाकताबाद से यहाँ तक किस तरह मैनेज करेंगे, और ये उनके खदशात थे या फिर थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए वो था, तो ये सवाल एक लाजमी होता था। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान साहब फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, मूव ऑन करते हैं जी। अच्छा,
अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, अमूमन आपने बहुत सारे अपने आंसर्स दिए होंगे, आप लोगों को अपने विजुअली इम्पेयरमेंट के हवाले से पूछा जाता है, कभी आपको अपने रेजिडेंस के हवाले से पूछा जाता है, और अमूमन और भी क्वेश्चंस होंगे, मैं अभी डेफिनेटली और भी लोगों से पूछूंगा। अच्छा, ज़ोबिया से बात करते हैं। ज़ोबिया मुझे बताइए कि आपसे कोई कॉमन क्वेश्चन जो है वो जो इंटरव्यू में किया गया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बार बार पूछा गया हो इंटरव्यू के अंदर। Can I, sir? Salim Tahir. Salim, एक थोड़ा सा वेट कर लें, अगर ज़ोबिया अगर नहीं बात कर रही तो फिर आपको मैं मौका दूंगा। बिल्कुल ज़ोबिया, आर यू एबल टू हियर मी? आपको आवाज आ रही है मेरी? चले सलीम, आप जब तक शेयर कर लें, बल्कि ज़ोबिया ने अनुकूल सलाम। ज़ोबिया फाइनली यू स्पोक, थैंक यू जी। ज़ोबिया बताएं आपसे कौन सा क्वेश्चन कॉमनली पूछा गया है अब तक। सर अभी तक तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैं बीएस कर चुकी हूँ इस्लामिक स्टडीज में जिस यूनिवर्सिटी से, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे जस्ट एक इंटरव्यू हुआ था, वो कॉमन क्वेश्चन थे कि आप कैसे मूव करती हैं और कैसे मैनेज करेंगे स्टडी को, जो काम आप जो के लिए आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं उसको आप मैनेज कैसे करेंगे, उसमें आपकी एबिलिटी कितनी है, ये क्वेश्चन जो कॉमन थे। सही, आपके आपके स्किल्स के हवाले से पूछा गया, आपकी रिमोटनेस के हवाले से पूछा गया कि आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये पार्टिसिपेशन से मुझे मजीद मोटिवेशन मिलता है। खतीजा क्या हुआ, नींद आ रही है? अच्छा, खतीजा से ही बात करते हैं। खतीजा, डिड यू नोटिस एनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट? आपने जितने भी इंटरव्यूज अब तक दिए हैं उसमें आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या रहे हैं अब तक, कोई एक एरिया बताएं। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक। इंटरव्यू नहीं दिया तो अपना तारुफ कराएं पहले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खतीजा है और मैंने इंटेक किया है और मैं वीआई पर्सन हूं जी, आर्ट्स में किया है और मैं कराची से बिलोंग करती हूं। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त। तो आप कह रही हैं आपने अभी तक एक इंटरव्यू भी नहीं दिया है, तो इंशाल्लाह आगे जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। आज की जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो सेशन है, उसमें हम कुछ ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको शायद आगे फेस करनी पड़ जाए और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे कि उसके हवाले से कुछ टिप्स एंड टेक्निक भी आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, कोई शेयर करना चाहेगा कि कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उसने निकाला हो अपने इंटरव्यू के अंदर? मेरे ख्याल से सारान सुल्तान जो है, सारान क्या नाम था, सलमान साहब, अगर आप, क्योंकि आपने काफी इंटरव्यू दिए हैं, मुझे बताइए कि आपने कोई एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका आपने नोटिस किया हो कि मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत होती है इंटरव्यू के दौरान, वो क्या है? सलमान सुल्तान जी, टू दी पॉइंट बात करना, जो बात की जाए उसका टू दी पॉइंट जवाब देना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये सलमान साहब ने अपना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया है कि टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर्स देना जो है वो एक इनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वंडरफुल। तो ये आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को लेके मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस अब तक रहे हैं। And thanks for sharing all these details. कुछ ने interviews नहीं दिए हैं तो उनके लिए शायद अब सारी information जो आगे आएंगी वो new होंगी, और जिन्होंने interviews दिए हैं उनके लिए कुछ जो है वो time to reflect होगा कि वो देखें कि इन्होंने कहाँ गलतियाँ की हैं पिछले interviews में और आगे आने वाले interviews में उसको जो है वो सही कर सकें। कुछ चीज़ें आप सही कर रहे होंगे तो आप कहेंगे नहीं, ये मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूँ, और कुछ लोग जो है जिन्होंने interviews कम दिए हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि उनके लिए नहीं होगी। तो
लेट्स मूव अहेड. मुझे बताएं इंटरव्यू होता क्या है. इंटरव्यू जब हम इंटरव्यू कहते हैं कि यार मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या मेरी मेरा जो है वो जॉब इंटरव्यू है, तो आपका माइंड सेट क्या होता है, एक इंटरव्यू क्या अहमियत रखता है या क्या होता है इंटरव्यू. आप में से ये कोई भी आंसर कर सकते. मैं करूं? Sir, can I say something? हाँ. Okay, Nadia. Okay, Nadia, Nadia. दिनी है ना, आप please पहले करें. Okay, तो मुझे लगता है अनम आप कीजिए. Okay, तो interview मुझे लगता है कि इसलिए होता है कि wait a minute. ओके इंटरव्यू इसलिए होता है कि सामने वाला रिक्रूटर जो है वो ये जान सके कि जो जॉब के लिए आया है वो इस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं. ठीक है, तो आपका माइंडसेट ये होता है कि कोई असेसर होगा जो मुझे असेस कर रहा होगा एंड दैट्स बेसिकली एन इंटरव्यू. ग्रेट. नादिया जी. सर मुझे लगता है कि बेसिकली हम अपनी सीवी तो दे चुके होते हैं और वो चेक भी कर चुके होते हैं, तो वो बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, अप्रोच ऑफ लाइफ और हम फिर जो एनवायरनमेंट जहाँ भी जाएंगे या जिस भी पोस्ट के लिए जाएंगे उसको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी मैटर उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज जिसमें शामिल हो जाती हैं, ये तमाम चीजें वो एक तरह से होता है क्योंकि एक जगह पर जाके हमने तमाम चीजें वो ओवरऑल देख रहे होते हैं. आई गेस तो बेसिकली आपकी सीवी से जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली होती है उनको वैलिडेट कर रहे होते हैं कि पेपर पे जो शख्स है वो वही शख्स है जो जिससे या ये अलग. बिल्कुल, ये चीज भी देखी जा रही होती है. सॉरी, सीवी अच्छी बना लेते हैं आप, सीवी बहुत अच्छी बना लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलते हैं तो अंदाजा होता है कि यार सीवी तो बहुत अच्छी थी मगर जो रिप्रेजेंटेटिव या जो पर्सन सामने बैठा हुआ है इज कम्प्लीटली ऑफ. और कभी कभार वाइस वर्सा भी होता है कि सीवी इतनी मुतासर को नहीं होती, इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती, बट यू मीट समवन जो बहुत इम्प्रेसिव होता है अदरवाइज. तो यू आर राइट कि इंटरव्यू का ये भी मकसद होता है या इंटरव्यू ये भी एक चीज है. एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू इट? कोई और ऐड करेगा इसके अंदर? सर मेरे ख्याल में इंटरव्यू इसलिए भी लिया जाता है कि वो आपकी वीकनेस और आपकी स्पेशलिटी देखें कि आप में आपकी कौन सी वीकनेस है और आप किस तरह से स्पेशल हैं. यस, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्किल्स, इसको इवैल्यूएट करने के लिए भी इंटरव्यू लिया जाता है. चलें, अब ये तो थे आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज के आप लोग क्या समझते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना जो द वे यू लुक एट इंटरव्यूज उसको बदलें, अपना माइंड सेट थोड़ा चेंज करें और जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो कंसीडर इट एज अ न्यू मीटिंग विद अनदर पर्सन. ठीक है, एक नए इंसान से, कुछ नए लोगों से आप मिलने जा रहे हैं. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट आपका सारा स्ट्रेस जो है वो खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होगा. बिकॉज होता ही है कि जब भी आप असेसमेंट माइंडसेट से जाते हैं ना कि सामने वाला मुझे असेस कर रहा है या सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करने वाला है, मैं जो जॉब के लिए जा रहा हूँ वो मुझे उसके लिए इवैल्यूएट करेगा, तो आपका एक माइंडसेट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी जा रहा होता है और प्लस आप अननेसेसरली अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहे होते हैं. तो जब आप इंटरव्यू को कंसीडर करें कि इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ मीटिंग और अनदर प्लेटफॉर्म टू मीट न्यू पीपल, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इंटरव्यू को लेके एक खौफ होता है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा. इसको आप देखिए एज अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. ठीक है, आप नए लोगों से मिलेंगे, आपको पता लगेगा कि फला ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम कर रहा है, फला इंस्टीट्यूट में कौन काम कर रहा है और वो क्या कर रहा है. तो इट्स अ वे ऑफ नेटवर्किंग और कैसे नेटवर्क करना है उस पर हम आगे बात करेंगे. कंसिडर्ड एज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, ये एक एक्सपीरियंस है. ठीक है जी, आप किसी भी जगह जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं, तो समझे कि ये भी एक नया, एक सीखने का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है जिसमें आप जा रहे हैं और आप कुछ नया सीख कर आएंगे. अच्छा, अब ये तीन जो बातें मैंने की हैं कि ये कंसीडर इट एज अ प्लेटफॉर्म टू मीट न्यू पीपल, एज अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड एज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, ये माइंड सेट होना चाहिए जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी रेडियो शो पे जा रहे हैं, चाहे आप किसी
यूनिवर्सिटी के एडमिशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या वीजा एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, व्हाटएवर द पर्पस इज, जो इंटरव्यू का जो मकसद है वो ऑफ कोर्स आपको असेस करना होता है, लेकिन आप अपने माइंड में ये बना के जाएं, ये माइंडसेट रख के जाएं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू लर्न समथिंग न्यू, टू मीट न्यू पीपल एंड क्रिएट योर ओन नेटवर्क ऑफ पीपल. अब अनम से मेरी मुलाकात जो है, अनम आपकी और मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी जब हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिशनर के सर्टिफिकेशन के लिए गए थे. ठीक है जी, तो अनम और मैं दोनों एक सर्टिफिकेशन कोर्स साथ कर रहे थे 4 years ago. ठीक है जी, और उसको काफी टाइम हो गया, तो अनम ने भी ये नहीं सोचा था कि वो वहाँ मुझे मिलेगी और ना मैंने सोचा था कि मैं अनम से मिलूंगा. बट ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो नेटवर्क आपका बढ़ाते हैं. अगर आज हम ना मिले होते तो आप ये सेशन में मुझे ना देख रहे होते. इंटरव्यूज में भी आप इसी तरह जाएं कि जब आप जाएं नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नई बातें होंगी, कुछ नया सीखने मिलेगा और मैं कुछ नए लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा. तो इंटरव्यूज को आप इस माइंडसेट से और ऑफ कोर्स जैसे आप सब ने बताया कि इट्स एन असेसमेंट टू, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका असेसमेंट इवैल्यूएशन भी हो रही होती है ऑन सर्टेन स्किल सेट, सर्टेन थिंग्स, बट आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप जो है वो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं. अब बात ये आती है इंटरव्यू जरूरी क्यों है, तो इस पर जैसे नादिया ने कहा कि सीवी आप लोग दे देते हैं, सीवी इंप्रेसिव होती है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, तो एक वैलिडेशन जरूर होती है, लेकिन आपके लिए ये चांस होता है कि आप किस कुछ नए लोगों से मिलें, उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलें जिन जिस कंपनी के लिए आप जो है वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं. इसके अलावा इट्स अ ग्रेट वे टू शो योर एम्प्लॉयर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी एंड वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद देम. ठीक है जी, आप अपना कुछ रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, आप उसको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसीलिए भी इंटरव्यू जरूरी होता है. और आपको अपने आप को स्पेसिफाइड टाइम और प्लेस में अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं जो जॉब से मैच करती हैं उसको शोकेस भी करना होता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस, जैसे मैंने बताया आपका कुछ इंटरव्यू 10 मिनट के भी हुए हैं, कुछ इंटरव्यूज आपके आधे आधे घंटे के भी हुए हैं, तो आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है और उसी टाइम फ्रेम में आपने ये सारी चीज़ें शोकेस करनी है. अच्छा, अब देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ इंटरव्यूज. ठीक है जी, तीन स्टेजेस. ठीक है जी, हम हमेशा इंटरव्यू का शायद बीच जो सेंटर फेज है उसको तो याद रखते हैं, सेंटर वाला जो स्टेज है वो तो याद रहता है कि यार इंटरव्यू होना है फलां डेट पे, मगर हम उसके पहले और आखिरी वाले स्टेज पे काम नहीं करते. और आज की मेरी प्रेजेंटेशन में जो प्राइम फोकस है वो है आपका प्री इंटरव्यू प्रोसेस, प्री इंटरव्यू स्टेज एंड द पोस्ट इंटरव्यू स्टेज. क्योंकि इंटरव्यू पे हर बंदा जो है वो पहुंच जाता है. ठीक है जी, किसी तरह भी लेट पहुंचा, किसी भी हालत में पहुंचा, वो पहुंच जाता है और इंटरव्यू दे देता है, वो पास हो या फेल हो वो फिर डिपेंड करता है नहीं ना कि उसकी ड्यूरिंग इंटरव्यू परफॉर्मेंस पे, बल्कि डिपेंड कर रहा होता है कि प्री इंटरव्यू स्टेज पे उसने क्या किया और पोस्ट इंटरव्यू स्टेज पे उसने क्या किया. तो आज इस पे हम बात करेंगे. तो देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ इंटरव्यूज. वन इज द pre-interview stage, the second is the interview stage, and the third is the post-interview stage. So, pre-interview mein aapne preparation karni hoti hai. Theek hai? Preparation for the interview. During interview, jo ke second step hai, second stage hai, usme aapne saamne wale, yani employer ko ya university, agar aap admission lene ja rahe hain, uski understanding ko samajhna hota hai ki wo kya karna chaah raha hai, uske saath empathize karna hota hai. To agar aap, for example, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपने पहले तो देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. और जब आप जॉब के लिए जाएं, तो इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हों, तो आपने उनसे उनकी बातों को देखना है कि वो क्या मांग रहे हैं आपसे, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, और सीखना है. ठीक है, और पोस्ट इंटरव्यू में आपने रिफ्लेक्शन करनी है कि आप जो इंटरव्यू देकर आए हैं उसमें क्या लर्निंग एस्पेक्ट्स थे और क्या ऐसी चीज़ थी जिसको अगले इंटरव्यू में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. इसीलिए मैंने कहा कि अपने आप में आप ये भी देखें कि हर इंटरव्यू आपको कुछ सिखाता है. इट्स अ लर्निंग पॉइंट, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म.
अब बात करते हैं पहले प्री इंटरव्यू स्टेज की जी। प्री इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू से पहले क्या करना जरूरी है या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसको मैं कहता हूँ मैजिक फॉर्मूला, मैजिक इक्वेशन फॉर सक्सेसिंग योर इंटरव्यू स्टेज, ठीक है जी। वो है KYS, इसको आप अपने पास माइंड में नोट करें, KYS प्लस KYC इज इक्वल टू P। अब आप इसका मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या है, KYS प्लस KYC इज इक्वल टू P। तो कोई गैस करेगा इसका क्या फुल फॉर्म हो सकता है? KYS प्लस KYC इज इक्वल टू P। Anyone can unmute themselves and just guess. KYS क्या हो सकता है बताइए। इफ्रा से बात करते हैं। K for knowledge। अच्छा, ओके। KYS। इफ्रा अगर आप ट्राई करना चाहें, इफ्रा कैन यू हियर मी? शायान रजा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें एंड लेट मी नो इफ यू आर हियर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी खूबसूरत सी आवाज। नहीं सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है, KYS KYC और P नहीं आइडिया इसका। जी सर, मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि जी मैं यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी का हेड हूँ, साथ में सर्विस सेंटर भी डील कर रहा हूँ। 8 साल मैंने कॉल सेंटर में एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर काम किया है और भी मुख्तलिफ काम किए हुए हैं। RJ भी हूँ, साथ में एडिटर भी हूँ। अच्छा, और मुख्तलिफ चीजें काम और कर रहा हूँ। नई सुबह में आप तो मतलब हर फन मौला है, तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। आप आर्टिस्ट भी हैं, आप माशाल्लाह जो है वो कॉल सेंटर में भी काम कर चुके हैं, तो ये वास्ट एक्सपीरियंस। तो थोड़ा सा भी अच्छा, पी तो बताए ना, पी क्या होगा? परफॉर्मेंस हो सकता है, पी फॉर परफॉर्मेंस। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू शायन फॉर टेकिंग पार्ट। अच्छा चले, मैं आपको बता ही देता हूँ। KYS stands for know yourself, ठीक है जी, know yourself plus KYC, KYC is know your company, know your organization, right? Equals to preparedness, ठीक है जी। आप किस तरह prepare हो रहे हैं interview के लिए, उस वो depend करता है दो चीजों पे। क्या आप अपने आप को जानते हैं सही से, और क्या आप अपनी कंपनी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में सारी चीजें जानते हैं, या जितनी चीजें जाननी चाहिए उतना जानते हैं या नहीं जानते। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स, अपने आप को जानना और जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन आपने फिल की है उसको जानना। अगर कोई यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानेगा, उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानेगा। जी तरह अगर कोई कंपनी में जॉब के लिए जा रहा है तो वो जॉब के बारे में और उसकी जो भी रोल है, जॉब रोल है, उसके बारे में जानेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बता रहा है। तो पहले अपने आप को जानना, तो आई एम श्योर आप लोगों ने एक सिंपल सी एक्सरसाइज अपने साथ जरूर की होगी, SWOT एनालिसिस। इसका नाम किसने नहीं सुना है? कोई ऐसा यहाँ पे जिसने SWOT एनालिसिस का नाम नहीं सुना? SWOT, SWOT, ठीक है। कोई बताएगा SWOT का एब्रीविएशन, व्हाट SWOT स्टैंड्स फॉर? SWOT, इफ्रा आर यू देयर?
आई थिंक मेरी तकरीबन सबसे यहाँ बात हो गई है. इफ्रा इज द ओनली वन जिससे अभी तक बात नहीं हुई, तो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम इफ्रा, थैंक यू सो मच फॉर अनम्यूटिंग योरसेल्फ. अपना इंट्रोडक्शन कराएं पहले तो. Okay, my name is Ifra and here I'm working in Naisuba as an HR. Or... Okay, और आपकी qualification? अच्छा, I think we lost Ifra again. Meanwhile, कोई बताएगा SWOT की full form क्या है? What SWOT analysis stands for? जी जी, नई सुबह ने हैंड रेस किया है, वो इज देयर. नई सुबह मैं तो असद अली, सॉरी असद जी, असद अली. असद अली, मैं यहां पे नई सुबह में मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस देख रहा हूं. मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, ओके जी. और शॉर्ट की बात करेंगे तो जैसे आपने स्क्रीन भी शेयर की है, इट स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट. एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस, मैं तो कहता हूँ एक इंसान को भी अपने स्पॉट के बारे में आपकी क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं और उनको थ्रेट कहाँ पे हैं, किन किन चीजों से वो थ्रेट. राइट, थैंक यू सो मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कर चुका हूँ. राइट नाउ मैं अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैस कॉम कर. ओके, परफेक्ट. ठीक है, तो बिल्कुल असद साहब ने सही फरमाया कि SWOT एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो हर इंसान को अपने स्ट्रेंथ्स पता होने चाहिए, अपने वीकनेसेस पता होने चाहिए, वो क्या अपॉर्चुनिटी देखना है अपने लिए लाइफ के अंदर, चाहे वो करियर के हवाले से हो या एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पर्सनल अपनी लाइफ में वो क्या अपॉर्चुनिटीज देखता है और उसके थ्रेट्स, उसकी चैलेंजेस क्या हैं लाइफ के. तो ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहलाती है आपकी, कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना वाकिफ है अपने आप से आप. ठीक है जी, तो SWOT एनालिसिस आप अपने साथ अगर आपने अब तक नहीं की है अपनी, तो चार अपने जो है दिमाग में या अपने सामने जो है वो चार बॉक्सेस बनाए और उसमें स्ट्रेंथ्स अपनी लिखें एक बॉक्स के अंदर, दूसरे बॉक्स के अंदर वीकनेसेस लिखें, तीसरे बॉक्स के अंदर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज लिखें और चौथे बॉक्स के अंदर आप अपने थ्रेट्स या चैलेंजेस लिखें कि आपको लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या थ्रेट्स हैं, किस चीज से आपको डर है, क्या फेयर्स हैं आप. ठीक है, तो ये जब आप पेन डाउन करेंगे तो आपको अपने बारे में काफी अवेयरनेस होगी कि मैं क्या हूँ, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं. अच्छा, कभी कभार ये होता है कि सर मैं दो से ज्यादा जो है ना वो वीकनेस नहीं लिख पाया, दो से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लिख पाया, अपॉर्चुनिटीज तो मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी क्या है, तो और चैलेंजेस मुझे शायद एक ही पता है. तो जिन कितने हजरात हैं उनकी जिनकी यहाँ पर जो है वो शादी हो चुकी है, कितने लोग यहाँ मैरिड हैं? काशिफ अली जलबानी, काशिफ लग रहा है मैरिड है. अच्छा, मेरा पॉइंट ये था, इफ यू आर नॉट मैरिड, आप अपने ऐसे लोगों से बात करें जो आपके बारे में जानते हैं. ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपको बहुत कुछ बता देंगी कि आपने क्या खामी और क्या खूबी है. सिमिलरली अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड आपको बता देंगे कि आपकी क्या अच्छाई बुराई है, आपके पेरेंट्स आपको बता देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको बताएंगे आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ. तो उसको आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या वाकई वो आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है या आपके अंदर वो चीज़ें हैं. अगर हैं तो आप उसको अपने पास नोट डाउन करें, यस दीज आर आर स्ट्रेंथ, दीज आर आर वीकनेसेस. तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है, मतलब खुद आप अपने लिए क्या फील करते हैं और बाहर की दुनिया आपको किस तरह देखती है. तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि आप अपने आप को इवेल्युएट करें, आपको अपने बारे में पता होगा तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे इंटरव्यू के अंदर, कैसे वो हम आगे बात करें. तो ये तो हो गया KYS, नो योर सेल्फ, आप अपने बारे में जानना. ठीक है जी, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, नो योर कंपनी और नो योर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ. तो ये बताइएगा कि कंपनी के बारे में आप कैसे जान सकते हैं,
काशिफ साहब अगर आप बात करना चाहें, वी आर ऑलरेडी अनम्यूट है, काशिफ अली जलबानी जी। जी सर। हाँ, मुझे बताइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में अगर आपने जानना हो तो कैसे जानेंगे, क्या तरीके का? सर अगर सर अगर कंपनी की बात की जाए तो सर अगर कंपनी में कोई ज्यादातर कोई मेरा कोई दोस्त या कोई मेरा करीबी रिश्तेदार अगर उसमें लगा होगा सर, उसमें काम ऑलरेडी अगर करता होगा सर, मैं उससे जानकारी लूंगा कि सर इसमें इस कंपनी में ये क्या क्या होता है सर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपने बात की कि कोई अगर ऑलरेडी वहाँ जॉब कर रहा है, कोई आपका दोस्त यार, कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड जिसके रेफरेंस से आप उससे बात कर सकें कि यार कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी के लोग कैसे हैं, क्या क्या जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑल दैट। वेरी गुड सर। ज्यादातर सर उसको ही पता होगा ना सर कि तो हम काम नहीं करते होंगे, ज्यादातर उसी को पता होगा ना सर। उसी को पता होगा, बिल्कुल आपने सही कहा। काशिफ आप अपना तारुफ भी करवाएं, आप कभी क्या कर रहे हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ सर, सेकंड ईयर का जो सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, हैदराबाद में मैं रहता हूँ सर। अच्छा, सेकंड ईयर स्टूडेंट है और हैदराबाद से कनेक्टेड है हमारे साथ, थैंक्स काशिफ फॉर जॉइनिंग। अच्छा तो अब ये बिल्कुल काशिफ ने सही कहा कि एक तरीके तो ये कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से बात करें, उनसे पूछे कि कंपनी किस तरह की है या क्या ऑफर करती है, किस तरह की जॉब्स हैं। ठीक है जी, मुझे फिदा अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि अगर कंपनी के बारे में मुझे पता करना है तो क्या जॉब आई है वो किस तरह की है। फिदा अस्सलाम वालेकुम सर, फिदा हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा नाम क्या आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन जी, फिदा आप बताइए कि आप क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मतलब कि खुद पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर और मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और जो है वो कहाँ से ताल्लुक है आपका, कौन से शहर से? दादू से। दादू से, वेरी गुड भाई। तो गर्मी तो बहुत होगी अभी वहाँ पर? हाँ 48 डिग्री है, ज्यादा तो नहीं है। कितना है? 48। 48 बस, ये तो काफी कम है इस वक्त। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दादू 50 तक तो जाए ना कम से कम, इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा फिदा, तो आप बताएं कि कंपनी के बारे में अगर जानना हो इंटरव्यू पे जाने से पहले तो मैं कैसे जान पाऊंगा? वहाँ पर जो काम करते हैं उनसे पूछ लो। तो देखो आप चीटिंग कर रहे हैं ना, काशिफ ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो चीटिंग नहीं। मैंने ज्यादा बातों में ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो ये भी वीकनेस है, आपने बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो फिदा बताइए कि जो है वो और क्या तरीके कार है? एक तो वहाँ के लोग, अब किसी को मैं नहीं जानता कंपनी में तो मैं क्या करूँगा? एक अगर फेमस कंपनी है तो उसको आप क्रोम पे सर्च कर लो तो वहाँ पर भी आ जाएंगे। गूगल बाबा इज द बेस्ट। ठीक है जी, अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा बाबा मशहूर है हमारे दुनिया में वो है गूगल बाबा। आप पर आ जाते हैं ना ट्विटर के लिंक, वहाँ उनकी राय सब आ जाता है। बस ये नहीं आता है कि आपने जो है वो आपने अपने कपड़े कहाँ पे सुखाए हैं या आप अभी जो है वो आपके चप्पल कहाँ है, ये चीज नहीं आती, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको गूगल बता देता है। तो ऑन अ सीरियस नोट, गूगल करें, वेबसाइट पे जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें कि वो कंपनी क्या करती है, उसकी सर्विसेज क्या हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो कल्चर क्या है, वहाँ किस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी वेबसाइट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है कंपनी वेबसाइट। अगर वेबसाइट पढ़े बगैर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और सामने वाले का वक्त भी बढ़ रहे हैं। तो आप जब इंटरव्यू पे जाएं, मेक श्योर कि पहले तो आप कंपनी की वेबसाइट को थॉरली पढ़ लें, आप कंपनी के तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको प्रॉपरली पढ़ लें। ठीक है, तो वेबसाइट इज द बेस्ट मीडियम, क्योंकि वेबसाइट उसकी ऑफिशियल है तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा अपनी कंपनी के बारे में वो ऑफिशियल होगी। सेकंड जो रिसोर्स है वो है मीडिया और इंटरनेट। जैसे अभी फिदा ने कहा कि गूगल कर लें, गूगल में आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी मिलेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स करियर के हवाले से मिलेंगी जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं,
कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे उस हवाले से न्यूज आई हुई है तो आप वो पढ़ सकते हैं। और सोशल मीडिया, इस वक्त हर बंदा सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, लिंक्डइन। लेकिन अगर आपको कंपनी के बारे में पढ़ना हो तो बेस्ट सोशल मीडिया हैंडल है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपने उसको सर्च करना है, लिंक्डइन के ऊपर उसकी जितनी डेवलपमेंट्स आपको मिलेंगी वो ज्यादा, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल सोशल मीडिया हैंडल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये इनफॉर्मल मीडियम या एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रोफेशनल है वो आपका लिंक्डइन होता है। ट्विटर पे आपको बहुत सी जो है वो न्यूज मिल जाती है, लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन है या राइट अपडेट्स है वो आपको लिंक्डइन और वेबसाइट से मिले। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फिर आपके पास सोर्स है, जैसे कि बताया काशिफ ने कि करंट एम्प्लॉयज जो वहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी को जानते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करें, अगर उनसे उनको नहीं जानते तो आपका कोई दोस्त होगा जो आपको शायद वहाँ कनेक्ट करते हैं, जो वहाँ काम करता है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक्स एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे मैं 4-5 इदारों के साथ काम कर चुका हूं, तो अगर कोई मेरी प्रोफाइल देख ले और देख ले कि मैंने एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और वहीं, तो मैं पहले से ही पूछ लूंगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है या कैसी थी उस टाइम पे जब आपने छोड़ी, उसमें चेयर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, सारी बातें मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो या तो करंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं या वो एक्स एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। फिर कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार, वर्कशॉप्स, ये ऐसी बहुत सारी जगहों पे कॉन्फ्रेंसेज भी हो रहे होते हैं, सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं। अब जैसे ये वाला आपका जो सेशन है ये भी एक नियम है जिससे आप जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं लोगों के साथ। अभी मैंने सबका इंट्रोडक्शन लिया है तो अगर कोई अच्छा बंदा होता तो वो उसको नोट कर रहा होता, जैसे मैं इस वक्त अपने पास कर रहा हूँ कि किसका ताल्लुक कहाँ से है। तो मेरे पास अभी सबका समझ में आ गया है कि समीर जो है वो पेशावर से कनेक्ट हुआ हुआ है, नादिया मेरे पास इस्लामाबाद से है, जो है कराची से, तो मुझे मेरे पास सबका दिया। ठीक है, अब मैं अच्छी जगह को कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह वर्कशॉप्स को यूज, इस तरह को कनेक्शन सेशंस हो, इसमें अपना बिल्ड करें, इससे भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब आपको मेरे बारे में पता चल गया है, आप मुझसे कनेक्ट होकर पता कर सकते हैं कि फला ऑर्गेनाइजेशन कैसी, क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, ऑल एमएनसीज एंड लोकल कंपनीज। ठीक है जी, और एक और तरीका है जो आप में से किसी ने नहीं बताया, वो है विजिट द प्रीमाइसेस। ठीक है जी, तो आप जाके भी फील करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है जी, आप बहुत फैसिलिटीज आपको नजर आती हैं, कुछ चीजें आप फील करते हैं, कुछ चीजें आप बातों से अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ओपन होती है कि आप जाएं और उनसे मिलें। ठीक है जी, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है भाई अपॉइंटमेंट लेके आए, तो अपॉइंटमेंट लेकर जाए, आप कहें मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे मिलना है, मुझे आपका ऑफिस देखना है। और आई एम श्योर के पीपल विद विजुअली फेयर इशूज उनको वो एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन भी देंगे व्हेनेवर यू रिक्वेस्ट फॉर अ टूर। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीका है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में जानना और कंपनी को जानना। इस पे दोनों पे हमने बात कर ली कि आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं और कंपनी के बारे में कैसे जान सकते हैं। और ये सब आपने करना है अपने इंटरव्यू से पहले। ठीक है जी, इंटरव्यू के बाद नहीं करना है, या इंटरव्यू के दौरान आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उस वक्त नहीं पढ़ना कंपनी की वेबसाइट। उस वक्त जो है वो कि कंपनी क्या, वो एक लास्ट स्टेज होता है जब आपने बिल्कुल भी तैयारी ना की और अब वही तरीका हो। लेकिन आइडियल वे टू प्रिपेयर योरसेल्फ इज टू स्टडी अबाउट योरसेल्फ एंड द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू। कभी कभार एक दिन पहले भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो भी आपने इसकी वेबसाइट तो जरूर पढ़नी है, उसका लिंक्डइन जरूर है, ताकि पता चले कि इस वक्त वो कंपनी क्या कर और उनकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, देन एक चीज और बता दूं, ये भी इंटरव्यू से पहले ही है, जो अब नेक्स्ट स्लाइड है वो बता रही है आपको कि यू हैव टू ड्रेस फॉर सक्सेस। ठीक है, ड्रेस फॉर सक्सेस, ग्रूम फॉर सक्सेस। आपकी पर्सनालिटी आपकी ग्रूमिंग से पता चल रही होगी। ठीक है, हाउ यू आर ड्रेस्ड, व्हाट यू हैव वॉर्न, आप किस तरह का जो है वो कपड़े आप पहन रहे हैं, कितना किस तरह का मेकअप इस्तेमाल हो रहा है,
किस तरह की फॉर्म, आप क्लीन होके जा रहे हैं नहीं जा रहे, साफ सुथरे होके जा रहे हैं नहीं जा रहे, परफ्यूम लगा के जा रहे हैं नहीं जा रहे, बॉडीज पे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। काशिफ ने हैंड रेस किया, काशिफ कुछ शेयर करना चाहते हो बेटा? सर आपने कहा था कि सर जैसे आपने जैसे सॉरी कॉल आ गई थी जी सर, जैसे सर अगर पहले पहले अगर उनसे गंगा जाए जाए और उसे जाए विजय जाए आजकल के दौर में देखा जाए तो सर ऑनलाइन आजकल हम सबके, तो सर उसके हवाले से कुछ कहा जाए तो थैंक यू काशिफ फॉर नोटिंग दिस डाउन। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे आगे मेरे मेरी प्रेजेंटेशन में ऑनलाइन इंटरव्यू इस बात, ठीक है जी। तो उस पे हम बात करेंगे। जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूँ ये कि छात्र इंटरव्यू ऑनलाइन हो या इन पर्सन, दोनों सूटों में कंपनी के बारे में जानना और अपने बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्रेसिंग भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जो लोग मुझे देख पा रहे हैं दे नो के मेरी बॉडी मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने किस तरह से अपने किया हुआ है। वर्चुअल का इम्पैक्ट भी अलग होता है और इन पर्सन का भी अलग होता है। उन दोनों के लिए तैयारी वैसी ही करनी है आपने, आप ये नहीं कह क्योंकि ये वर्चुअल कैमरा और अगर आप कैमरे पोजीशन टू ओपन द कैमरा तो वो उसको जो है वो नेक्स्ट I would suggest पे आप बात करेंगे कि ऑनलाइन इंटरव्यूज में आपको किस तरह तैयारी करनी है, लेकिन ड्रेसिंग करने का पार्ट है चाहे वो वर्चुअल हो रहा हो। सॉरी सर यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा सर, सबसे पहले हम वे पर्सन को तो और ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें तो आगे हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हुआ था नहीं किया हुआ था ये सारी चीजें नोट की जाए, सो नाखून आपके कटे हुए थे नहीं कटे हुए, ये ट्रिमिंग का पार्ट है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप इसका ख्याल रखें बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। आप अच्छा स्मेल कर रहे हो, अच्छी फ्रेगनेंस यूज की हो, ज्यादा फ्रेगनेंस भी ना हो कि सामने वाला परेशान हो जाए कि आपने कौन सा परफ्यूम लगा लिया, ठीक है जी। लाइट ऐसा कि आप में स्मेल ना आ रही हो, ठीक है। और बाज़ औक़ात आप जो है वो ट्रेवल करके जब जाते हैं तो अभी इतनी गर्मी है, अब दादू में 48 है तो कराची में भी इस वक्त 34-37 चल रही है और फील 41 का होता है, तो आपको पसीना है आता है, ठीक है नेचुरल है। तो अपने साथ आप बॉडी स्प्रे या कोई जो है वो छोटा परफ्यूम कैरी करें जो आप इंटरव्यू की लोकेशन पे पहुंच के अप्लाई कर सकें, ठीक है। देर इज़ नो हार्म इन इट। अपने आप को फ्रेशन अप करें, रेस्ट रूम यूज़ करें, वॉशरूम जाएँ और अपने आप को दोबारा से जो है वो रेडी करें उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आते हैं सेकंड स्टेप पे जो के है आपका ड्यूरिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने क्या करना है, प्री इंटरव्यू तो आपने बात कर ली, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू में सबसे पहला जो काम आपने करना है वो मैंने देखा है अक्सर या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए या बहुत लेट आते हैं, ठीक है, या 2-3 मिनट से लेट हो जाते हैं। लेट है, चाहे आप 1 मिनट के लिए लेट हो या आधे घंटे के लिए लेट हो, लेट People are considered lazy, right? आप उसको जो है वो ये माइंड में रख लें, इंटरव्यूअर को ये बात अच्छी नहीं लगती चाहे वो खुद लेट स्टार्ट करे इंटरव्यू, लेकिन आप क्योंकि कैंडिडेट हैं, आप जो है वो सीकर साइट पर है, जॉब सीकर है, आपने टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो है इंटरव्यू वेन्यू पे इन पर्सन हो रहा है या वर्चुअल हो रहा है। अभी मैंने अनम से पूछे इस सेशन में 15 मिनट पहले कनेक्ट होगा और आई वाज कनेक्टेड बाय देम, राइट। सो आप चाहे इन पर्सन सेशन दे रहे हो या जॉब इंटरव्यू दे रहे हो या आप जो है वो वर्चुअल कर रहे हो इंटरव्यू, यू हैव टू बी ऑन टाइम एंड बाय टाइम मींस एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बिफोर योर स्केड्यूल टाइम, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप देख लें कि आपको इंटरव्यू कहाँ देना है। आपका इंटरव्यू वर्चुअल है तो पहले अपने सारे सिस्टम वगैरह चेक कर लें, माइक चेक कर लें, कैमरा चेक कर लें, ठीक है, ताकि आपको लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट्स ना करनी पड़े, राइट। जिस तरह अभी कुछ सेशन में कुछ स्टूडेंट जो है वो बीच में जो है वो एडजस्ट कर रहे थे अपने माइक्स को, कैमरा को, कुछ लोगों ने अपने आप को फिर डिसकनेक्ट किया, फिर ज्वाइन किया, तो ये इंटरव्यू में जो है वो ना हो, राइट।
दूसरा मिनिमल डिस्ट्रैक्शन. अभी काशिफ ने का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने उससे जब पूछा जी काशिफ कुछ बात करना चाहते हैं, उसको फोन आया और उसका जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा था. ठीक है, वो वाइब्रेशन की आवाज मुझे आ रही थी क्योंकि अनम्यूट था काशिफ. तो ये जॉब में भी पता चल जाता है कि आप जो है वो सामने फोन रख के बात कर रहे हैं मुझसे या इंटरव्यू दे रहे हैं या आप वाकई सीरियस हैं. ठीक है, तो ऑल्दो आप सीरियस होंगे इस वक्त सेशन अटेंड करने को, लेकिन एक सामने परसेप्शन आपने ये दे दिया कि जो कैंडिडेट है वो इतना सीरियस नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्शन को हटा के ये सेशन या वो जॉब इंटरव्यू दे रहा है. राइट, सो मेक श्योर कि आपके डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना हो. सेल फोन आप कैरी करते हैं तो उसको साइलेंट पे कर दें या बंद कर दें फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है. सिमिलरली कुछ लोग लैपटॉप के बैग्स कैरी करते हैं, कुछ अपने बैग्स कैरी करते हैं, तो ऐसी जगह इंटरव्यू से पहले ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम पे वो तंग ना करें. ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन होते हैं अचानक. ठीक है, तो मेक श्योर कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को जो है वो लिमिटेड रखें. ठीक है, लिमिटेड. ओके, मूविंग ऑन. इसके बाद जिनसे भी आप मिले, चाहे इंटरव्यू में आप जो है वो इन पर्सन जब जाते हैं, लिफ्ट में जाएं, स्टेयर्स यूज करें, जिससे भी आप मिल रहे हो सबसे स्माइल एंड ग्रीट करके जाएं. हो सकता है आप जिसके साथ लिफ्ट में खड़े हो वही आपका इंटरव्यू लेने वाला हो, या हो सकता है वो शख्स जो है वो आपको पसंद करे और आपको कहे कि यार ये बंदा जो आया था इससे मेरा भी इंटरव्यू करवा दें. ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए हर एक को आपने अच्छे है. ड्यूरिंग द इंटरव्यू तो आप मिलते ही हैं, लेकिन बिफोर द इंटरव्यू एंड व्हाइल एट द इंटरव्यू एज वेल. राइट, अच्छा जी. और ड्यूरिंग इंटरव्यू एक चीज का ख्याल रखना है, कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट. राइट, लोग आप जो कहते हैं उस पर कम फोकस करते हैं, लेकिन आप किस तरह कह रहे हैं, आपकी टोन क्या है, आपकी आई कॉन्टैक्ट क्या है, आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर कि आपका हेड जो है वो अप हो हर वक्त. ठीक है, नीचे हो के नीचे नजरें झुका के बात नहीं करनी, ताकि लगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं जो आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से. और आप उसके फोरहेड पे देख सकते हैं, इंटरव्यूअर के फोरहेड पे देख सकते हैं. दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, आपने ऊपर देखना, एटलीस्ट नीचे ना देखें. ठीक है, दैट्स द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर बॉडी लैंग्वेज इन अ पॉजिटिव माइंड. राइट, काशिफ कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे थोड़ा सा मुझे मूव जी सर, कुछ ब्लाइंड ऐसे होते हैं सर, देखते हैं कि साइडेड भी सर ऐसे होते हैं सर, वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं सर किसी के सामने, तो सर वो बिल्कुल घबरा जाते हैं सर. सर हमारा जो इंटरव्यू लेने वाला जो सर होता है, जो सर उनका सवाल पे कम फोकस, हमारा जो सर जो हम एक्टिव पे रहते हैं, जो हमारा लिबास होता है सर, हमारे बात करने का लहजा सर, उस पर ज्यादा सर उसका तवज्जो होती है सर. सही बात है, और वो सिर्फ आपके साथ नहीं है काशिफ, वो जी सर हर 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 इंटरव्यूवी के साथ होता है. इवन जो विजुअली इम्पेयर्ड नहीं भी हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं, जब हम इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं तो हमारा फोकस उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी उसके लिबास पे अनइंटेंशनली पहुंच जाता है. ठीक है, और उस पर हम आगे भी बात करेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कीप नोट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट यू आर सेइंग एंड हाउ यू आर सेइंग. अच्छा जी, एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है, किसी और को प्रेजेंट नहीं करना. तो आपके दोस्त ने कहा कि यार कल ये अगर सवाल पूछा जाए तो इसको इस तरह जवाब दे देना. नो, आंसर इट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एज यू आर. राइट, आप जिस तरह के हैं उस तरह रिप्रेजेंट करें, किस आप कोई और किसी और को रिप्रेजेंट ना करें. तो बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल. राइट, अच्छा, अब बात हो रही थी कि ऑनलाइन इंटरव्यूज, कितने लोगों ने ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए, रेज योर हैंड्स. ऑनलाइन इंटरव्यूज कितनों ने दिए आज की कोविड के टाइम पे, तो ऑनलाइन इंटरव्यूज वाज अ नॉर्म. अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यूज ही करती हैं, प्रिलिमिनरी राउंड्स उनके ऑनलाइन ही होते हैं. सो मुझे बताइए कि आप में से कितने हैं जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यूज दिए हैं. अनम ने दिया है, और कोई? तो ऑनलाइन इंटरव्यूज की भी कुछ टिप्स हैं, ये ध्यान में रखें. सबसे पहले अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, जिससे भी, फोन से तो इंटरव्यू ना ही दें, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग कहते हैं यार मैं फोन से साइन इन हो जाऊंगा. फोन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं. मेक श्योर कि आप लैपटॉप या सिस्टम से उस कनेक्ट हो इंटरव्यू के लिए. और इंटरव्यू के लिए जो भी सिस्टम या लैपटॉप आप यूज करें
बस चेक कर लें उसमें आपको अगर जूम पे कनेक्ट होना है तो वो इंस्टॉल है, स्काइप पे होना है वो कनेक्ट हो, फेस टाइम हो रहा है, जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, एमएस टीम्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिससे आप कनेक्ट होते हैं, तो वो सिस्टम आपका रेडी हो इन ऑर्डर टू कनेक्ट। और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये चेक कर लें कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेबल है और आपके पास एक प्रॉपर इंटरनेट है। अगर इंटरनेट का इशू है अपने इंटरव्यूअर को पहले बता दें कि ये चैलेंज है। फिर दूसरी बात होती है परफेक्ट स्पॉट फाइंड करना। अक्सर अवकात अभी आप में से ज्यादातर लोग जो अभी सेशन अटेंड कर रहे होंगे, आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में इसको अटेंड कर रहे होंगे। कुछ लोग जो है वो बेड पे आराम से लेट के अटेंड कर रहे होंगे, कुछ सोफा सेट पे बैठे हुए होंगे, कुछ जो है वो बाहर बैठे होंगे। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया इंटरव्यू में एम्प्लॉयर आपसे कह सकता है कि ओपन योर कैमरा, ठीक है, एंड वी वॉन्ट टू इंटरव्यू यू थ्रू अ वीडियो तो आपका लाइटिंग, आपका बैकग्राउंड, आपका स्पॉट ऐसा हो जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। आप नहीं समझ आ रहा लाइटिंग बेहतर है, यानी आप किसी अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को, पेरेंट्स को बता दें कि सर प्लीज मेरा देख लें कि मैं जो कैमरे में कैसा देख रहा हूँ। तो इससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान। अभी आप में से जो लोग मुझे देख पा रहे कैन यू कॉमेंट ऑन माई बैकग्राउंड एंड लाइटिंग, आप लोगों को क्या लगता है, इज इट ओके फॉर एन इंटरव्यू, इज इट ओके, इज इट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू और नॉट, आप में से जो मुझे अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जी यहाँ पर हमें इफ्रा हैं, असद हैं जो आपको देख पा रहे हैं, और यहाँ पे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे साथ मौजूद है मिस अस्मा, ये हमारी ट्रस्टी हैं। तो मिस अस्मा, आप अगर कमेंट करें कि हाउ डू यू फील अबाउट माय बैकग्राउंड, माय लाइटिंग, द वे आई एम अपीयरिंग एट द स्क्रीन एट द मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। Danish, actually, that was the first thing which I noticed when I joined your session. Or lack of distraction है बिल्कुल, क्योंकि आपका background बिल्कुल plain है। जब आप बोल रहे हैं lighting आपकी बहुत अच्छी है, और when you are speaking तो focus directly आपकी तरफ है, और white and grey background है तो of course वो एक soothing भी लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और कुछ रंग बिरंगी चीजें नहीं है आपके आस पास, कुछ props नहीं है, कुछ नहीं है, तो That is more focusing, जो कि आपकी बातों को समझने में और visuals के हिसाब से काफी captivating है। Right, thank you. और Miss Asma, आप अपना अगर थोड़ा तारुफ करा दें, what you do professionally, आप क्या कर रही हैं आजकल? Danish, मैं actually I've been associated with Nayi Subha for the past 3 years. मैंने recently अपना executive MBA खत्म complete किया है, IPS से project. मेरा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट, सो मैंने 7 years मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रही हूँ। तो ये है मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो अब ये कि 3 साल से इट्स वंडरफुल टू नो दैट वी आर अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, और कम्युनिटी काफी हमारी स्ट्रांग है। आईबीए के अलमनाई हमारे पास तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में है, तो आपको भी, आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर एन आईबीए ग्रेड एज वेल। सेम हियर। अच्छा, तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि जिस तरह बैकग्राउंड है, वॉइस है, कैमरा अलाइनमेंट है, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सेम इज शुड बी द केस व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपने अपने आप को इसी तरह अलाइन करना है, तो अपने परफेक्ट स्पॉट को फाइंड आउट करें। व्हेन आई स्टार्टेड आउट दिस सेशन, मेरा कैमरा एंगल कुछ और था, बट इंटेंशनली आई मेड इट लुक लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। और मेरे पास जो है स्पेस मैंने जो लीव किया है वो इस तरह की है कि जिसमें आपको मिनिमल डिस्ट्रैक्शन है। मेक श्योर कि आप कोई ऐसा स्पॉट ढूंढें, अगर घर में नहीं है मे बी फाइंड आउट इन योर विसिनिटी, अपनी सोसाइटी में कोई लाइब्रेरी होगी, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप ये स्पॉट ढूंढ सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जब भी ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अपेयर हो, आप कैमरा फोकस्ड हो, कैमरा ऑन होना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर औकात जो है एम्प्लॉयर आपसे कैमरा ओपन करते हैं, एंड अगर आप नहीं करते तो इट डज नॉट seem appropriate and professional. जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखें इंटरव्यू के दौरान, अपने सेल फोन्स को टर्न ऑफ करें, अपने सिस्टम्स के जो नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दें कि वो पॉपअप हो के स्क्रीन पे ना आ जाए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। सेट अप एंड ड्रेस प्रोफेशनली, इसमें भी ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार बस वर्चुअल है तो मैं जो है वो
टी शर्ट में बैठ जाता हूँ, मैं जो है वो अपने घर के कपड़ों में बैठ जाता हूँ. नो, यू हैव टू यू नो ड्रेस प्रोफेशनली जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं. सो इंटरव्यू की तरह आपने प्रिपेयर होना है और इस तरह ही बैठना है वर्चुअल के अंदर. एंड काम योर नर्व्स. अक्सर अगर वर्चुअल में ये होता है कि आवाज कम आ रही है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कोई आपको अचानक से जो है वो कुछ चीज याद आ जाती है. सो थोड़ा सा पॉज भी ले सकते हैं, अपने आप को काम कर सकते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं वर्चुअल के अंदर. पीपल ऑल्सो एक्सपेक्ट के टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बट मेक श्योर कि ये सारे टिप्स जो हैं वो आप फॉलो करें. एंड जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल, तो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है जिसमें आप इन पर्सन बैठे होते हैं, तो आपकी आई कॉन्टैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. मैंने कहा आप नीचे देख के बात ना करें, चाहे आप विजुअली इम्पेयर्ड है या नहीं, नीचे देख के बात करना गिव्स द सामने वाला पर्सन अ परसेप्शन दैट यू लैक कॉन्फिडेंस और यू आर टेलिंग अ लाइ. सो आपका वर्चुअल के अंदर जो फोरहेड है या जो आई कॉन्टैक्ट है वो कैमरा से होना चाहिए, कैमरा लेवल पे आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, कुछ एटीट्यूड्स हैं तो उसमें कुछ तो आप बात कर रहे हैं, जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ 7% है, सिर्फ 7% इम्पैक्ट आपके वर्ड्स का है. बाकी 38% कम्युनिकेशन आपकी वोकल एलिमेंट्स कर रही है. आप कितना स्लो बोल रहे हैं, कितना तेज बोल रहे हैं, किस वर्ड जो है वो किस वर्ड को आप फोकस कर रहे हैं, किस वर्ड को आप लाइट बोल रहे हैं, पॉजेस कब ले रहे हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में. जबकि 55% आपकी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है, 55% नॉन वर्बल. नॉन वर्बल क्या क्या एलिमेंट्स हैं? आपके बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से जो है अपना हैंड मूव कर रहे हैं वाइल स्पीकिंग, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपका जो है ड्रेसिंग, हाउ वेल यू आर ड्रेस्ड, हाउ वेल यू आर कैरिंग योर सेल्फ. जैसे मैंने ग्रूमिंग की बात की, आप ग्रूम्ड है नहीं है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं. तो अभी जैसे काशिफ ने कहा, समीर ने कहा, सर आई डोंट नो बट काफी इंटरव्यूअर जो हैं वो हमारी जो है वो ड्रेसिंग पे देख लेते हैं हमारी, या हमारे द वे वी सेट. तो ये बड़ा मैटर करता है, चाहे आप विजुअली इम्पेयर्ड हो नहीं हो, ये एबल्ड पर्सन के लिए भी, फुली एबल्ड पर्सन के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि उसको पता होता है कि उसकी हर चीज नोट हो रही है. हाउ वेल इज ही सिटिंग, कमरे में आने से पहले उसने क्या परमिशन ली नहीं ली, वो बैठा कैसे, उसने चेयर को कैसे ड्रैग किया, दीज थिंग्स ऑल्सो काउंट. सो नॉन वर्बल पे आपने बहुत फोकस करना. अच्छा, जब आप इंटरव्यू में हो तो मेक श्योर कि क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली सुने बिफोर आंसरिंग देम. कभी कभार ये होता है कि हम अपने आंसर इतना रेडी करके चले जाते हैं के उसके क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही आंसर अपना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, या माइंड में रेडी कर लेते हैं कि भाई खामोश हो तो मैं बोलना शुरू करूं. तो कि आप क्वेश्चन जो है उनको प्रॉपरली सुने, इंटरव्यूअर प्रॉपरली सुने, और तकरीबन 5-10 सेकंड का पॉज दें बिफोर यू स्टार्ट ऑफ योर आंसर, ताकि इंटरव्यूअर को भी मौका मिले आपको पढ़ सके और आपको भी मौका मिले कि आप जो बात करना चाहते हैं वो प्रिसाइज हो और टू द. अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो rather than starting of a question, answer, you should ask them to repeat the question. बट ज्यादा ना करें, ये भी मेक श्योर करें कि ऐसा ना कि हर बार उसे क्वेश्चन के बाद आप पूछ रहे हैं कि रिपीट द क्वेश्चन प्लीज. आई कॉन्टेक्ट की हमने काफी बात कर ली है, आप पैशन उससे शो होता है आपका. और अभी किसी ने कहा था, शायद असद ने कहा था या शायान ने कहा था, आपसे पूछा जाता है यार आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ी, या व्हाई आर यू लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे अभी आप काम कर रहे हैं, आपने क्यों छोड़ना चाहते हैं. सो यू स्टार्ट ब्रैगिंग अबाउट that organization in a negative way, या फिर आप जो है वो अपनी frustration जो है वो निकाल रहे होते हैं interviewer के सामने, जो कि गलत है. Try to say positive stuff, क्योंकि हर employer ये सुनना चाहता है कि आप कितने positive हैं, आप कितना approach कितना positive है. कोई भी negative बात करने वाले को पसंद नहीं करता.
सो मेक श्योर अगर आप कोई गलत चीज हो भी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप सही से वर्ड करें इन ऑर्डर टू मेक इट फील कि हाँ ठीक है, शायद आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में या वहाँ ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तो बस मेक श्योर यू टॉक पॉजिटिव स्टफ्स अबाउट वॉट एवर यू आर सेइंग, और अपने आंसर्स को प्रिसाइज रखें, टू द पॉइंट बात करें। हर आंसर आपका 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनलेस कि वो आपसे कहें कि यार कोई ऐसा वाकया बताएं जहाँ पे आपने कोई स्किल यूटिलाइज की, कोई स्टोरी बताएं अपनी लाइफ की, वहां आप 3 मिनट तक जा सकते हैं, बट वहां भी आप 5 मिनट तक का टाइम नहीं ले सकते। मेक श्योर योर आंसर्स आर वेल विद इन द टाइम ब्रैकेट, 1 से 2 मिनट का आंसर हो, ठीक है। कुछ यस नो के आंसर भी होते हैं तो ठीक है, लेकिन जहां आपसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मांगे जा रहे हैं, जहां आपको कहा जा रहा हो कि थोड़ा सा बताएं इस बारे में, सो मेक श्योर कि कोई एग्जांपल से आप उसको एक्सप्लेन करें, लेकिन वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा का आंसर ना। प्रिपेयर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड व्हेन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कुछ सवाल है हमारे वे इंटरव्यू आपका भी है, तो भी कुछ सीख रहे हैं आपसे कि हम कैंडिडेट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने कुछ ना कुछ क्वेश्चन रेडी करके जाएं जो आप इंटरव्यू से पूछ सकें। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी हमने बात की, आप लोगों ने बताया कि हमारी विजुअली इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि आपकी जॉब जो हमने प्लेस की है आपकी जॉब उसमें बोर्ड्स के ऊपर आप कैसे मैनेज करेंगे, वो कुछ कॉमन क्वेश्चन, इसमें से एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करें, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ व्होएवर इज स्पीकिंग, ओके। सो इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं, वो ना बताएं जो सीवी पे ऑलरेडी लिखा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक आपको कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं, तो वो जो है अपना नाम भी बता देते, तो नाम बताने की जरूरत नहीं है, प्लीज बताएं अपनी खुसूसियात बताएं, ठीक है जी। और टॉक अबाउट, अगर आप अपनी वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वीकनेस के साथ ये भी बताएं कि आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं। अनिल सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज। अच्छा सर, मैं अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि जब मेरा फर्स्ट कॉल सेंटर का इंटरव्यू था तो वहां पे मुझे तकरीबन 4 घंटे वेट करवाया गया था, और जब मैं ट्रेनिंग आया था तो मुझे बकायदा ये बोला गया था कि सर हमने आपको वेट इसलिए करवाया था ताकि हम आपका पेशेंस लेवल चेक कर सके, क्योंकि आप कॉल सेंटर में आपको बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है, कस्टमर आपको गालियां भी देता है, कस्टमर आपसे बदतमीजी भी करता है, अच्छा भी कह के जाता है चीजें वहां पे, मतलब वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस तरह की चीजें आती हैं लाइफ में, तो कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसको आपने प्रैक्टिस करना होता है, और ये कॉमन क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे आप जब बात करेंगे देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू द पोस्ट इंटरव्यू प्रोसेस, कि अब ये देखिए सक्सेस मैंने बताया था कि अक्सर औकात जो है आप ड्यूरिंग इंटरव्यू पे तो काम कर लेते हैं, लेकिन जो है वो प्री इंटरव्यू प्रोसेस जिसमें आपकी अपनी नो योर सेल्फ वाली बात और नो योर कंपनी वाली बात आती है, और दूसरा है आपका इंटरव्यू प्रोसेस है कर लेते हैं, लेकिन जो पोस्ट इंटरव्यू वाला काम है वो बहुत सारे लोग नहीं करते। पोस्ट इंटरव्यू में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अगर आपको कोई ईमेल के थ्रू जो है वो बुलाया गया है तो उस ईमेल का आपने थैंक यू ईमेल के थ्रू रिप्लाई करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ योर इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू आज हुआ है तो कल उसी टाइम से पहले आपने कोशिश करना है कि रिक्रूटर को या जिसने भी आपको इन्वाइट किया उसको थैंक यू करें। अगर आपने उसको उसने आपको ईमेल के थ्रू बुलाया तो ईमेल पे रिस्पॉन्स करें, अगर आपको कॉल किए तो आप कॉल करके उनको थैंक यू कहें कि आप उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला, आपको इंटरव्यू किया, और आप जो है वो आगे के स्टेजेस के लिए जो है वो उनसे अपडेट रिक्वेस्ट करें। ये सिर्फ 10% एप्लीकेंट करते हैं, ये हमारी रिसर्च है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी है कि बहुत कम एप्लीकेंट्स हैं जो कि थैंक यू ईमेल या थैंक यू नोट या थैंक यू कॉल करते हैं इंटरव्यूअर को आफ्टर दे गो आफ्टर देयर इंटरव्यू, राइट। सो मेक श्योर ये हैबिट बनाएं
कि पोस्ट इंटरव्यू आप जो है वो थैंक यू नोट या थैंक यू ईमेल लिख रहे हो। फिर एक रिफ्लेक्शन आपने ये करनी है कि उस इंटरव्यू में पावरफुल क्वेश्चंस कौन से पूछे गए आपसे, ऐसे क्वेश्चन जिसपे आप बाकी हिल गए कि ये क्या पूछ लिया गया मुझसे, यू नो, या ऐसे क्वेश्चन जो आपको अपने आप को इंट्रो गेट करने पे आपको मजबूर कर दिया उसने, ये क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट टाइम अगर जाऊंगा तो प्रॉपर आगे सोच के जाऊंगा। ऐसे पावरफुल क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू के बाद अपने डायरी में अपने पास जरूर नोट करें, चाहे आप कोशिश करें कि जितना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि होता ही है कि जैसे जैसे दिन जाते हैं आप क्वेश्चंस भूल जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक ही हफ्ते में दो तीन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना था। तो जैसे ही आप इंटरव्यू से फ्री होते हैं आप वो क्वेश्चंस अपने पास नोट कर लें कि जो आपको लगे कि पावरफुल है और जिनके आंसर्स आपको अच्छे से रेडी करके जाने चाहिए, और उसमें रिफ्लेक्ट करें और सीखें कि नेक्स्ट टाइम क्या आंसर मैं प्रॉपरली दे सकती हूँ। और एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे नहीं किया कि हम बेसिकली ये जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं उसका रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे, तो कम एक हफ्ते का टाइम आपके पास होता है, वन वीक के अंदर आप फॉलो अप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के हवाले से, अपने जॉब इंटरव्यू के हवाले से। अगर आपको बता दिया गया है कि ठीक है हम आपको जो है वो फलां डेट पे दो हफ्ते के बाद जो है वो गेट बैक करेंगे, तो देन दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको कोई इंटीमेशन नहीं दी गई इस हवाले से, कोई चीज़ इन्फॉर्म नहीं की गई कि आपको कब इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द रिजल्ट, आपका हक है कि आप एक हफ्ते के अंदर उनसे फॉलो अप करें। और अगर ईमेल पे या कॉल पे बात नहीं हो रही तो यू कैन इवन विजिट द कंपनी इफ यू थिंक कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है एंड यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल एंड यू डिजर्व एन अपॉर्चुनिटी। फाइनल टिप्स, ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब ये कि अब ये तो हमने तीनों स्टेजेस कवर कर लिए, प्री स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू, राइट। सो अब क्या करना है आपने, फाइनल टिप्स हैं। पहली बात, जितना अपने आप के साथ रिहर्स कर सकते हैं करें, अपने साथ वालों के साथ रिहर्स करें, कोई स्क्रिप्ट मेमोराइज ना करें, क्योंकि अक्सर होगा आप कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन आएगा मैं ये आंसर कर दूंगा, ये क्वेश्चन आएगा मैं ये आंसर कर दूंगा। नो, देयर इज नो स्क्रिप्ट फॉर एवरीवन, राइट। हर पर्सन कुछ नया सुनना चाहता है, हर पर्सन जो है वो आपके बारे में सुनना चाहता है, राइट, किसी और की स्टोरी नहीं सुनना चाहता। So try to practice your answers, but do not memorize a script. Questions पूछें, आपसे जब मौका दिया जाता है तो questions जरूर पूछें, और अपना interest show करें company के अंदर, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब आप उस company के बारे में पढ़ के जाएंगे, आप उस company के current affairs को पढ़ के जाएंगे, और like I said, be yourself. Don't try to be someone else. कि किसी और के आंसर्स आपने नहीं देने, किसी से पूछना नहीं है कि मैं इसका आंसर क्या दूं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या क्या चीजें मैं इसमें बता सकता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। आप एडवाइस जरूर लें मगर कोई स्क्रिप्ट ना लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर, क्योंकि इंटरव्यू एक तरह से एक एक्टिविटी है जो आप करने जाते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आपको करने से समझ आती है कि उसको कैसे करना है। मैं यहाँ पे जितने भी टिप्स दे दूं, मैं जितनी भी बातें कर लूं, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप उसको जाके इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो यू वॉन्ट बी इम्प्रूविंग योर स्किल्स, राइट। स्किल्स का यही है, महारत क्या होती है, जो आप करके सीखते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ क्लासरूम्स में बताया जाता है, कुछ टेक्निक्स बताई जाती है, लेकिन टेक्निक्स को जब तक आप जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो किस तरह वर्क कर रही है। सो इम्प्लीमेंट दीज टिप्स एंड टेक्निक्स, ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स हैं जो मैंने खुद भी लाइफ में किए हैं और बाकियों को भी सजेस्ट किया, उन्होंने भी किए हैं, उन्होंने भी फीडबैक दिए हैं और बाकियों को करते हुए देखा भी है। सो प्रिपेयर प्रैक्टिस इंटरव्यूज विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, टेक टर्न्स आस्किंग क्वेश्चन। अगर आपके दोस्त का भी इंटरव्यू है, आपका भी इंटरव्यू है, आप उसको कुछ क्वेश्चन करें, उसके आंसर सुने, उसको फीडबैक दें। अगर आपका इंटरव्यू है उससे कहें ये क्वेश्चन आपसे करें, और आप उसका आंसर दें और उसको कहें आप मुझे रेट करें कि मैंने कौन सा आंसर कितना अच्छा दिया। सो प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। If you want to reach out to me, मैंने अपने social media handles के links जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अनम के पास भी मौजूद हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। If you want to further reach out to me for any kind of assistance. So that's all. I'm on time. अनम, अनम मुझे time check कब से दे रही थी कि please इतने minutes हैं, इतने minutes हैं। तो I hope that I have completed in the time that I had been allocated.
Thank you so much. Over to you now. Thank you so much, Danish. और it was honor for us कि आपने हमें join किया और इतने अच्छे skills बताए जो हमारे लिए आगे future में बहुत ज़्यादा beneficial होंगे. हम में से कोई भी आगे interview देने जाएगा तो हम इन चीज़ों को समझ के जाएंगे और हमारा interview बहुत अच्छे से होगा. Thank you so much और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमें join किया और अपने इतने precious time में से अपने time निकाल के हमें time दिया. तो मैं चाहूंगी हमारी एचआर इफ्रा मजीद के आपको थैंकिंग नोट दे दें. ओके, आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है. तो हमारे साथ एचआर मौजूद है इफ्रा मजीद, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मौजूद हैं असद अली, और साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ट्रस्टी मिस असमा मुमताज. तो अभी जिनके साथ आपका इंट्रोडक्शन भी हुआ, तो हम सबकी तरफ से, नई सुबह की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से और खुद मुख्तार प्रोग्राम की तरफ से दानिश को मैं थैंक यू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में भी आप हमें इसी तरह से प्रोडक्टिव सेशंस देते रहेंगे. दानिश, थैंक यू सो मच. और एक मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि ऑल्दो दिस सेशन वॉज फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, at the same time it was also important for those who are taking the interviews. main kyunki opposite side par hoti hu, I am the one jo ke ab interviews le rahi hoti hu, to isme mujhe bhi bahut sare isme acche points aapke session se mile ke what should, what are the things that we must look into a candidate. although hum dekh rahe hote hain, but yes, there are so many things jo shayad humse bhi miss hoti hongi. to jo interview dene wale hain unhone bhi cheeze seekhi hain, aur mere khayal se jo interview lene wale hain उनके लिए भी इस आपके सेशन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें थी. थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना प्रोडक्टिव हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सेशन दिया. ओके, थैंक यू मिस असमा, थैंक यू दानिश. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. तो हम इसको वाइंड अप कर, दानिश कुछ कह रहा है? जी जी, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने भी इनवाइट किया एंड दोज हु वर हु अटेंडेड द सेशन कंप्लीटली, आई रियली अप्रिशिएट देम. क्योंकि वर्चुअल पे आई नो वेरी वेल के कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स रहते हैं, लेकिन आई एम ग्लैड दैट दोज हु वर कनेक्टेड विद अस फॉर द एंटायर सेशन, थैंक्स फॉर दोज. एंड आई एम श्योर आपने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो दोज हु हैव बीन एबल टू अटेंड can benefit from this session. Thank you so much once again. Have a good day. Have a good evening. Take care. Thank you. Love is.